राम राम दोस्तों, मेरा नाम है राम बिडानिया और आपसे मैं कुछ बात साझा करनी है। बात यह है कि 2-3 दिन पहले मैं एक फेसबुक पर पोस्ट देखी थी जो मेरे खास अजीज दोस्त हैं पोस्ट करी थी, और उस पोस्ट में दिखोड़ा था कि IPL 2022 का जो ऑक्शन होया है उस ऑक्शन के अंदर एक सांसी भांतु समाजा का लड़का है उसका सिलेक्शन होया है जो KKR टीमा की तरफा तक खेल रहा। वो पोस्ट पढ़ता ही मैं उसको यकीन कोई है मेरा आँखी पर और मेरे कान पर कि इसमें जो सूचना लिखोड़ी है वो सच है या झूठ है। मेरा मन करा था कि हूँ उसके कॉमेंट बॉक्स में या मैसेज लिखें कि जो जानकारी तय इसमें लिखी है तय उसके जांच पड़ताल करी भी या फिर सुनी सुनाई बात तय लिखी दी। लेकिन मैं सोचा कि चल हूँ पहले खुद ही रिसर्च कर लेता हूँ कि माजरा क्या है। तो दोस्तों, जिस टाइम मैं उसके बारे में रिसर्च करी तो मुझको पता लग गया कि जो सूचना उन्होंने पोस्ट करी थी वो बिल्कुल सही थी, और जो रिसर्च मैं करी थी, रिसर्च यानी कि जो भी जानकारी मैं इकट्ठा करी थी उस जानकारियाँ को मैं अपने एक मेरा जो यूट्यूब चैनल है राम बिडानिया दुबई नाम करी ना, उस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के जरिए पोस्ट करी थी। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो आप ज़रूर उस चैनल पर जाओ और वो वीडियो देखो और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो जिसका नाम है राम बिडानिया दुबई। सो उसका सिलेक्शन हुआ है बहुत अच्छी बात है, हमारे समाज वास्ते बहुत एक गर्व की बात है। सबसे पहले तो बधाई उस भाई साहब को, रमेशा को और उसके परिवार को, उसके माता पिता को, और भगवान उसको तरक्की बख्शे और सक्सेस बनावे। हमारा भी मतलब क्या है, सीना गर्वा चौड़ा हो जाता है जिस टाइम हमारे समाज का कोई बंदा आगे बढ़ता है। लेकिन यह खुशी कई बार क्या है कि उल्टी बढ़ जाती है। होया था कि मतलब रमेशा के सिलेक्शन होने के बाद उसका मैं एक पहला स्पीच सुना था, और वो पहला स्पीच ही वो वजह है जिसकी वजह से यह वीडियो बनाया करता है। उसके स्पीच की जो खास बात थी वो यह थी कि वो स्पीच भांतवें की भाषा में था, अपनी सांसी बोली की भाषा में था, और जिन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। क्योंकि जैसे ही मैं वो वीडियो देखा, वीडियो देखता ही मैं उसको एक शख्स, एक कैरेक्टर, एक बंदे की याद आई, और वो बंदे का नाम है सनी हिंदुस्तानी। जिस टाइम उसका सिलेक्शन हुआ था हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, और मतलब यकीन को कर पाया करे ना कि क्या सच में ही उसका सिलेक्शन हुआ है उस बंदे का, और इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें उस बंदे थे लगाई जाती हैं। बेशक वो जो अपना कंपटीशन था, ट्रॉफी था, वो जीतया था, और बेशक हमारा नाम भी चल बड़ा होया ही है समाजा का, वो अलग बात है कि कुछ हालात तो उस टाइम क्या हुए थे वो बताना इतना ज़्यादा ज़रूरी कौन इस टाइम, क्योंकि आप सब उसके बारे में जानते हो। लेकिन जो हमारा जो प्यार था ना, वो उसकी सिंगी का थे यानी कि उसके गाने बजाने थे उस था कोई थिया ना, या फिर एक वो नेशनल लेवल पर जाया करता उस था भी कोई थिया ना। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो हमारे समाज का बंदा है और अपने समाज की जो आवाज़ है, हमारे समाज का जो नाम है या एक नुमाइंदा है, वो एक नेशनल लेवल पर जाया करता है। हमारी उम्मीदा उसकी वजूदा पर थी, हमारी वो उम्मीद जो आशा थी हमारी वो उस टाइम वो बंदा पूरी को कर सकता ना। बेशक अगर आज भी वो पूरी कर देवे तो वो बात नहीं रहे जो उस टाइम होती। सो उस बंदे की उसको अचानक याद आ गई थी, तो हम बात करने लगे रमेशा की कि रमेशा जैसे ही वो स्पीच देना, वो स्पीच था भांतु शांसी भाषा के अंदर, और उसको बहुत अच्छा लगे और मेरा दिल करया, मेरा मन करया कि हूँ एक संदेश, एक पोस्ट वीडियो बनावे ताकि मतलब दूसरे लोग भी वीडियो बनाए ना और उसको बधाई देवे, और जो भांतुएं शांसी भाषा के ऊपर जो उन्होंने एक स्पीच देना है उसके पर अपना विचार रखे। और रमेश भाई साहब अगर या मेरी वीडियो देखा करता है, रमेश बालानी अगर या मेरी वीडियो उसका तक पहुंचती है या वो देखा करता है, तो दोस्त सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और आपके माता पिता को बधाइयाँ, और आपके जो आपने जो भी संघर्ष करा है, जो भी सीखा है, आपके कोच, आपके जितने भी जो बंदे आपके साथ जुड़े थे उन सबको मेरा सल्यूट है। आप थे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन उस उम्मीदें के साथ ही कुछ रिक्वेस्ट भी है। रिक्वेस्ट दोस्त यह है, करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। रिक्वेस्ट यही है कि हमारा जो समाज है ना,
वो बेचारा बहुत ही भोला भाला अच्छा प्यारा समाज है, और बहुत ही कम मौके ऐसे आते हैं कि कोई विरला ही बेचारा नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर हमारा नाम आगे बढ़ाता है। कई बार हमारी उम्मीदें टूटी जाती हैं और कई बार हमारी उम्मीदें बनी जाती हैं। आप तो यही उम्मीद है कि आप बेशक अपना जो कैरेक्टर है, जो आपका गेम है, आप उसमें मतलब पहला तो हम आपको एक बात कह देना कि मेरा मेरा क्या, हर उस भांतु सांसे समाज के बंदे की इच्छा है कि आप क्रिकेट के अंदर इतना नाम कमाओ, इतना नाम कमाओ कि सचिन तेंदुलकर और धोनी जैसे जो जो शख्सियत है उनका साथी भी आपका नाम जुड़े, यह मेरी दुआ है। लेकिन जो कहना चाहता वो यह है कि बेशक आपका जो क्रिकेट है वो आगे जाएगा ना, अच्छा हो है, नहीं हो है, भगवान जाने क्या हुआ है, वो आपका गेम है और उस पर हमारा किसी का कंट्रोल कोई ना। लेकिन जो भी हालात रहे आपके, आपका जो कैरेक्टर है ना वो डाउन नहीं होना चाहिए, बस हमारी यही उम्मीद है। आप जो हो आज आपका कैरेक्टर वैसा होना चाहिए। कैरेक्टर मतलब आप अपनी पर्सनल लाइफ में जैसे मर्जी रहो, हमको उस तक क्या लेना देना ना। लेकिन जो समाज के प्रति जो आपकी जो आपका प्यार है वो बना रहना चाहिए, और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो भी बढ़िया रहनी चाहिए। तो आपसे एक या गुजारिश भी है मेरी कि अगर आपको मतलब हम आशा करेंगे कि वो मुकाम वो टाइम आवे, उम्मीद करते हैं कि अगर नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर आपको कोई स्पीच देना पड़े या फिर आपकी बात को रखनी पड़े या फिर आपको मैन ऑफ द सीरीज़ या मैन ऑफ द मैच या कोई भी ऐसा मोमेंट होगा जिसमें सारी दुनिया की नज़र आपके ऊपर हुए, उस टाइम पर दो लाइन हमारे भांतु समाज जाके भाषा आपको बोलनी है। यह उम्मीद हमारी सनिया हिंदुस्तानियत भी थी, लेकिन अफसोस कि वो उम्मीद पूरी कोई हो सके ना। बेशक वो अगर ईब हो जाए तो पूरी, पर वो मज़ा कोई ना जो उस टाइम होता। सो दोस्त, सबसे पहला तो हूँ थैंक यू कहेंगे आपको कि आपने जो जो स्पीच दिया वो भांतु भाषा में दिया। दूसरा आपसे गुजारिश है कि आपका करेक्टर चाहे मतलब जैसा है ना अवैसे वैसे ही रहे। और दूसरा यह कि कोई भी मौका ऐसा आवे उसमें हम हमारी भांतु भाषा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान जरूर दीजिए। बाकी आपके अगर आप आज के टाइम में आज के बाद एक सांस भी लेगा ना तो सबकी निगाह और सबकी नज़र आपके ऊपर हैं। आप क्या बोलते हो, क्या सुनते हो, हर एक्टिविटी पर हमारा समाज आपके ऊपर निगाह रखेगा। और आपके कहोड़े और आपके करोड़े, एक एक कर्म और एक एक वचन, उस पर आने वाली जो पीढ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा गौर कर गड़ी और मोटिवेट हो गड़ी। और उम्मीद करता है कि मेरे समाज को कि वीडियो संदेश बनाएगा ना, वीडियो मैसेज बनाएगा ना, पोस्ट कराया जाए। और एक जैसे कि जिस टाइम सनिया हमारे समाज के बारे में कुछ थोड़ा सा गलत कह देना था, चलो जिस टाइम उन्होंने कुछ गलत कहा था तो काफ़ी बंदे हैं उसके ऊपर वीडियो बनाए थे और कमेंट करे थे कि ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, काफ़ी सारी बातें हुई थी। चलो वो एक नेगेटिव बात थी, लेकिन आज हमारे साथ फिर एक अच्छा कुछ होया है तो उस पर एक हम अच्छा वीडियो संदेश बनाएगा ना हम शेयर करा, ताकि अपने विचार हम साझा कर सकें और दूसरे के विचारों को हम जान सकें। जय हिंद।